विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र इज अ थॉट चक्र, ओके, ये हमारे थॉट चक्र होता है, ब्लू कलर का होता है ये, और जो इसका बीज मंत्र है वो है हम, और ये भी हमारा एयर एलिमेंट है। जिन लोगों का ये चक्र अच्छा होता है वो लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रभावशाली होते हैं, उनके शब्द होते हैं वो बहुत अच्छे शब्द होते हैं, वो अपनी बात बहुत ही साहस के साथ बोलते हैं, और भावात्मक रूप से ऐसे लोग स्वतंत्र होते हैं, मतलब जल्दी से इमोशनल नहीं होता है, जिनका ये विशुद्धि चक्र जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बैलेंस होता है, और नेचुरल है आध्यात्मिक रूप से तो ये उनके जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि हमारे सारे चक्र जो हमारे बैलेंस होते हैं वो हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस्ड है तो थायराइड जैसी बीमारी हमको हो जाती है, क्योंकि हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, जैसे मैंने बोला कि हम अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपकी भावना, भावात्मा जो आपकी इमोशंस हैं वो आपके पूरे कंट्रोल में होते हैं, आप उनसे पूरे स्वतंत्र होते हैं, मतलब आपके इमोशंस पे आपका पूरा काबू होता है, लेकिन अगर आपका ये चक्र बैलेंस्ड नहीं है तो आपके इमोशंस पे आपका काबू नहीं होता है। अब बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा होता है, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना वो हमारी जुबान पर आके शब्द रुक जाते हैं, अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस बन जाते हैं जो हमारे को थायराइड जैसी बीमारी भी कर सकते हैं, जो हमारे हार्ट पर भी अटैक करते हैं, जिससे हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, ऐसे लोगों के गले में दर्द की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल्स एंड इस तरीके की बीमारियां उनको होती हैं, ऐसे लोगों के कानों में दर्द हो जाता है, गले का दर्द, कानों का दर्द, स्किन में इंफेक्शन, ऐसे लोगों को स्किन में इंफेक्शन होता है, स्किन एलर्जीज होती है, ये आपने लिख लिया ना कि ये अहम, इसका बीज मंत्र ब्लू मैम, अगर कोई बिना जा बिना हाँ बोलिए बोलिए मैम, अगर किसी का कोई इंसान अगर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहे तो उसका ये बिना सोचे समझे बात करे तो थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है या ब्लॉक्ड है? थर्ड आई में प्रॉब्लम है, क्राउन चक्र में भी प्रॉब्लम है और उसके थर्ड चक्र में भी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा थर्ड आई में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, ओके मैम।